हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम। ओके, यानी यूसीएम जो परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल का अगर हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे, एंड प्रोजेक्शन किस पे, प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर, तो अगर पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन है ऑन एनी डायमीटर दैट विल परफॉर्म एसएचएम। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। कोई भी मोशन SHM कब होता है, जब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अगर आप प्रूफ कर देते हो तो वो मोशन क्या होता है, SHM। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा कि SHM की नेसेसरी कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें एक्सेलरेशन या फिर फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग UCM इन सच अ वे दैट उसके सेंटर पे जो है वो ओरिजिन है, ठीक है, एंड इट इज परफॉर्मिंग UCM इन एक्स वाई प्लेन विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल पी यहां पे है और रेडियस जो है वो है ए, सच दैट मेकिंग एन एंगल अल्फा। ठीक, अब अगर मैं पी का प्रोजेक्शन निकालू तो P का प्रोजेक्शन यहां पे, क्लियर। अब बोलना ही है हमको, पहले तो मैं बता देता हूं कि देखो P का, जैसे P मूव करेगा सर्कल में, P यहां से यहां गया, ओके, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो देखो यहां पे आएगा, यानी प्रोजेक्शन यहां से यहां आ गया। P जब यहां से यहां पहुंचा, ये यहां से यहां पहुंचा, तो जो उसका प्रोजेक्शन है वो यहां पर पहुंच गया। ओके, अब पी गोल घूम के यहां से होते हुए यहां पे आ गया, तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो यहां पे जाके वापस यहां पे आ गया, समझ रहे हो? ओके, और फिर जब पी यहां से घूम फिर के यहां तक यहां पे आ गया, तो इसका प्रोजेक्शन भी यहां से यहां पे आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब पार्टिकल ने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया तो उसके प्रोजेक्शन ने यहां से इस डायमीटर पे क्या परफॉर्म किया, SHM परफॉर्म किया। ये हमको दिख रहा है कि पार्टिकल जब ऐसा गोल घूम के आया तो ये रेड कलर का डॉट ये यहां से लेके वापस अपने जगह पे आया, मतलब पार्टिकल एक सर्कल परफॉर्म कर रहे हैं, एक रोटेशन कर रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्शन SHM परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा पार्टिकल रोटेट करता जाएगा प्रोजेक्शन उसका, ये जो प्रोजेक्शन है रेड कलर से जो डॉट बना है दैट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग SHM। प्रोजेक्शन लिखेंगे किस पे, ऑन एनी डायमीटर दैट इज परफॉर्मिंग SHM। ठीक है, अभी मैं रेड कलर के सब हटा देता हूं, ओके, वी आर नॉट कंसर्नड अबाउट इट। ओके, तो सपोज ये सिचुएशन है हमारे पास में, है ना, दिस इज आवर सिचुएशन, ये दिया था सिचुएशन हमको, है ना। अब कोई भी पार्टिकल SHM तभी परफॉर्म करता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ओके, सपोज टी टाइम में, आफ्टर टाइम टी, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, यानी यहां से यहां पे आते हैं, क्यू पे आ गया। ठीक, अब ये जो एंगल रहेगा टी टाइम में, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा would be equal to omega t, circular motion का basics है, है ना, क्योंकि omega का formula क्या होता है, theta by t, therefore theta is equal to omega t, आसान, okay, so theta is equal to omega t। अब यहाँ से मैंने इसका एक projection निकाला, ये zero है, let us say displacement है x, तो ये वाला जो angle हुआ, वो कितना हो गया, मैं इसका angle ये यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया ओमेगा टी प्लस अल्फा, कितना वो ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है ओमेगा टी, ये अल्फा है ये ओमेगा टी है, तो ये कितना हो गया, सॉरी 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, यानी मतलब अब मेरे पास में एक ट्राइंगल तैयार है इस तरीके से, ये ओ ओ, ये प्रोजेक्शन का एम पहुंचा यहां पे, और ये हो गया क्यू, और ये वाला एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड दिस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। ठीक, अब मैं अगर इसका कॉस निकालूंगा, कॉस, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कॉस ऑफ
180 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कितना है? एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? ए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे x माइनस लिखना है क्योंकि हमारा रेफरेंस ये है O, और रेफरेंस से जब तुम x गिन रहे हो तो तुम किस साइड जा रहे हो? लेफ्ट साइड में जा रहे हो। तो ये क्या लिखना है? cos 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस x बाय a। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो इट बिकम्स माइनस cos ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस x बाय a। माइनस माइनस कैंसिल, a इधर आ गया, तो x बिकम्स a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, मैं डेरिवेटिव लूंगा इसका, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस a ओमेगा sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, और एक्सेलरेशन के लिए वापस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कहेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि अभी जितने भी लेक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं तो sin ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो रहेगा वो रहेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां से अगर मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या होता है? ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, लेकिन ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या है? एक्स, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिंस पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं? यूसीएम, और यूसीएम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ओमेगा रिमेंस कांस्टेंट। ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस मींस दैट प्रोजेक्शन परफॉर्म्स SHM, क्योंकि ये कंडीशन जो है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये किसकी है? SHM की है। सो अगर पार्टिकल UCM परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? SHM। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑल्सो इन केस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स की बोर्ड एग्जाम्स। सो प्लीज नोट इट डाउन, इसको समझ के लो, यहां खास करके बच्चे गलती करते, प्लीज इसको नोट डाउन करना। दैट्स इट।